कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई 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 गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय सचिनंदन जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि गौरचंद्राय राधिकाय इष्टतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण हरि बोल हाँ हरे कृष्ण कुछ बोल रहे हैं बोलो हाँ वो अभी मैं फोन दिया प्रभु से अब से बात कर रहे हैं और जो प्रभु जाएंगे ना उनको मैंने फोन दे दिया नंबर दे दिया अभी वो आपसे बात करके फोन कर रहे हैं नमः नमः वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमः नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण श्री गुरु जी महाराज की जय श्री गुरु पाद पद्म की जय क्या क्या है हम लोग क्या सुन रहे थे पहले हम अपना गुरु जी की उपदेश को सुन रहे थे ना हाँ गुरु जी को उपदेश को सुन रहे थे इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे मेरे गुरु जी को उपदेश को सुन रहे थे
हम क्या सुन रहे थे, याद है क्या सुन रहे थे? ये सुन रहे थे कि गुरुजी कैसे प्राप्त होते थे, बताया थे कि भगवत के पास से गुरुजी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो यहाँ पे कृष्ण क्यों बोला था आपसे बताया कि जब भगवान की बहुत कृपा होती है जन्म जन्म की शुक्र होती होती तब जाके सदगुरु हाँ हरे कृष्णा। इसलिए कभी जब जीव को सदगुरु की प्राप्ति होती है कभी प्रश्न है कहते हम लोग लघु है, लघु होने का नाते जो गुरु का जो गुरुत्व को हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्न करते हैं फिर हम गुरु जी को गुरुत्व को फिर समझे कैसे? ले जब हम सदगुरु की चरण आश्रय ग्रहण करते हैं करने पर धीरे धीरे हरि कथा श्रवण करते 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 जब हमारी अंदर में वो दिव्य ज्ञान के उदय हो फिर जा करके हम साधु को पहचान सकते हैं। उसको पहले हम साधु को नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए एक दिन हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे जब मैं पहले मंदिर में आया तो गुरुदेव हमें ऐसे माला पकड़ा दिया, गुरुदेव हमें माला दे दिया बोले हरि नाम करो। तो गुरुदेव कहते थे हमें समझ में नहीं आया, मैंने सोचा गुरुदेव तो कुछ दिया ही नहीं, गुरुदेव तो माला ही दे दिया और तो गुरुदेव हमें कुछ दिया ही नहीं गुरुदेव बोल रहे थे। लेकिन जब मैंने हरिनाम करते रहा है, जब हरिनाम मैंने करते रहा, जब हरिनाम करते 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 जब धीरे 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 जब अनर्थ निवृत्त होने लग जाती है फिर नाम की जब अनुभूति होने लग जाती है ना, फिर गुरुदेव ने कहा फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला गुरुदेव हमने क्या दिया है, गुरुदेव हमें क्या दिया है। गुरुदेव एक समय बोल रहे थे जब हमारे रूप सनातन गौड़ी मठ बन रहा था, ये मंदिर बन रहा था, इसमें कितना पैसा खर्चा होगा आपको पता होगा, कितना पैसा खर्चा होगा, हाँ कितने करोड़ रुपया गया। गुरुदेव बोलते थे जब मैं सवेरे हरिनाम करता था, कभी कभी हरिनाम करते करते कभी दिमाग में रहता था ये मंदिर बन रहा है कैसे बनेगा कब बनेगा, कभी कभी सोचता था इधर आ जा, इसलिए कभी कभी सोचता था। लेकिन गुरुदेव बोल रहे थे लेकिन मैं जब जब मेरे मन में कोई इच्छा होती थी ना, कोई भी मन में इच्छा होती थी मैं देखता था वो अपने आप पूरा हो जाता था अपने आप। थोड़ी सी कोई इच्छा हो गई, थोड़ी सी कोई इच्छा होगी, गुरुदेव कहते पता नहीं कहाँ से पैसा आने लग गया, कैसे बनने लग गया है? अब देखना एक व्यक्ति एक छोटी सी घर बनाता है, 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करता है और सारा जीवन पैसा कमाते कमाते किसी तरह से एक छोटी सी घर बनाता है सारा जीवन में। तो अब देखो ये मंदिर कितना बड़ा मंदिर बना है, कितने बड़े मंदिर बना। इसलिए गुरुदेव कहते थे लेकिन मेरे मन में जब जब जैसे जैसे भावना आती थी ना, पता नहीं कैसे कैसे अपने 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 आप मन इच्छा पूरी हो जाती, अपने आप इच्छा पूरी हो जाती थी। यद्यपि हरिनाम शुद्ध हरिनाम का फल क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ही हरिनाम का मुख्य फल है और ये सब चीज अनुसंग के फल है, ये सब अनुसंग है। इसलिए कृष्ण नाम जो कृष्ण नाम नहीं, कृष्ण नाम क्या है बोले नाम चिंतामणि कृष्ण, ये नाम नहीं ये चिंतामणि है, ये चिंतामणि भगवान का नाम है। इसलिए अभी गुरुदेव कहते थे लेकिन जब जैसे परिवार में शुद्ध नाम होते जाएगा फिर आपको पता चलेगा हम गुरु जी के चरण में क्यों ऋणी हैं, गुरु चरण में हम क्यों ऋणी, गुरुदेव ने हमें क्या वस्तु दिया है। कहते अभी हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे सूर्य का आलोक से, जैसे सूर्य उदय होने पर क्या होता है, सूर्य का किरणों का माध्यम से फिर हम सूर्य को देख सकते हैं। कहते उसी तरह जब तक कि गुरु जी की कृपा नहीं हो कहते तब तक गुरु जी के महत्व को हम नहीं समझ सकते। जब गुरु जी की कृपा होएगा फिर गुरु जी का जो गुरुत्व है तभी हम समझ सकते हैं, है? उसको पहले हम गुरु जी को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु जी को पहचानना बड़ा कठिन है, गुरु जी को पहचानना। कहते ये गुरु जी की तीसरा नंबर उपदेश है। कहते जो चौथा नंबर उनका उपदेश है बोले साधु कृपा करिया सही निष्कपट शरणागत व्यक्ति के हरि भजन रे पथे दीक्षा और शिक्षा प्रदान करें। जब कोई व्यक्ति कहते गुरु जी की श्री चरण में आते हैं और गुरु जी का चरण को आश्रय ग्रहण करता है, हैं कहते साधु कृपा करके क्या करते हैं, कहते वो जो शरणागत व्यक्ति गुरु जी के चरण में जो शरणागत व्यक्ति को हरि भजन का पथ में उसको दीक्षा और शिक्षा प्रदान करते हैं।
कहते ये जो शरणागति जो चीज है वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये शरणागत होना बड़ा कठिन है, है? शरणागत होना बड़ा कठिन है गुरु जी के चरण में, है? इसलिए पता नहीं कितने जीवन में हम गुरु जी के चरण में हम शरणागति हो पाएंगे, है? गुरु जी के चरण में शरणागति हो पाएंगे, इसलिए इसलिए गुरुदेव हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो तीन चार गुरुदेव उदाहरण देते थे, है? शिष्यों का तीन चार गुरु जी उदाहरण देते थे। पहला उदाहरण देते थे उदालक, उदालक का नाम सुने होंगे। जब ये उदालक गुरु जी के चरण में आए भजन करने के लिए, एक दिन बड़ी तेज बारिश होती थी, पहले गुरु जी की खेती हुआ करता था, हाँ? गुरु जी ने उदालक को बोला बेटा बारिश हो रहा है, जाकर के देखो थोड़ा खेती को, हाँ? ये पानी अगर जमीन से निकल गया तो फिर खेती नहीं होगा, तुम जाकर के देखो। उसने गया, जाकर के देखा बारिश हो रही, जो मेड़ है ना वो टूट गया, वो पानी बहते जा रहा है, पानी निकलते हुए जा रहा है। उनने कोशिश किया मिट्टी रख करके उसको बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा था। जब किसी तरह से बंद नहीं हो पा रहा था, लास्ट में उसने पूरा मेड़ पे भी सो गया, पूरा उसमें सो गया, है? जब सो गया गुरु जी ने देखा कुदाल का आ ही नहीं रहा है, तो गुरु जी आए, आकर के देखा वो एकदम मेड़ में एकदम लेटा हुआ और शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर एकदम नील पड़ गया, लेकिन तब भी वो पानी निकल नहीं जाए उसने लेटा हुआ। तो गुरु जी ने जब उसकी ऐसे शरणागति देखा, जब उन्होंने ये सेवा की वृत्ति देखा ना, बस गुरुदेव उसके ऊपर में प्रसन्न हो गए, गुरु जी प्रसन्न उसके ऊपर हो गए, है? तो गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे उपमन्यु। जब उपमन्यु गुरु जी के पास में वो ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए आए, बोले बेटा जाओ तुम गैया चराओ। अभी उसने गैया चराया, लेकिन देखा गुरुदेव तो उसको भोजन दे ही नहीं रहे, लेकिन देखा उसको हेल्थ तो बढ़िया है। बोले बेटा तेरे को मैं तो खाना देता ही नहीं, लेकिन तेरा हेल्थ बढ़िया कैसे? बोले गुरुजी मैं दूध थोड़ा थोड़ा दूध पी लेता हूँ। बोले बेटा दूध तेरे लिए नहीं, ये दूध बछड़े के लिए, इसलिए दूध मत पिया करना, ये बछड़े के लिए दूध है। लेकिन गुरुदेव ने देखा तभी उसका हेल्थ बहुत बढ़िया है। बोले बेटा तेरे को खाना नहीं देता हूँ, तेरे हेल्थ कैसे बढ़िया? बोले गुरुजी बछड़े जब दूध पीते हैं ना, अब देखना दोनों तरफ में झाग निकलता है। बोले गुरुदेव मैं वो झाग भी ले लेता हूँ। बोले बेटा तू झाग लेता है ना, इसलिए बछड़े जान बुझ कर बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं, इसलिए खबरदार उसको लेना नहीं। अभी उसको भी बंद कर दिए, फिर अभी भूख लगा फेंड फेंड, इसलिए फिर उसको भी बंद कर दिया। बंद कर दिया तो भूख लगा तो खाएगा क्या? जो आकंद का पेड़ उसको तोड़ दो ना, देखना उसमें दूध जैसे निकलता है, उसको पेड़ को तोड़ दूध जैसे, उसने उसको खाए तो वो तो जहरीले पशु है, उसको खाए तो अंधा ही हो गया, अंधा हो गया। तो अभी एक कुएं में गिर पड़ा, गुरुदेव ने देखा भैया उदालक कहाँ गया, ये उपमन्यु कहाँ गया? बोले उपमन्यु कहाँ हो? बोले गुरु जी मैं अंधा हो गया, कुएं में पड़ गया हूँ, कुएं में गिर पड़ा हूँ। फिर गुरु जी आए, उसको कुएं से निकाले, फिर उसको ऊपर में आशीर्वाद दिए और उनको आंखों के ऊपर हाथ बुला दिया ना, बस फिर उनकी आंखें आ गई, फिर उनकी आंखें आ गई। गुरुदेव यहाँ पर कहते थे कैसे उपमन्यु ने कैसे गुरु जी के चरण में कैसे शरणागति, कैसे गुरु सेवा करते थे। फिर गुरुदेव तीसरा उदाहरण देते थे सुदामा और कृष्ण। कृष्ण सुदामा की उदाहरण देते थे कैसे गुरु सेवा के लिए, कृष्ण स्वयं गुरु सेवा के लिए कैसे उन्होंने लकड़ी लेने के लिए गई, घना घोर बारिश हुई और चारों तरफ में पानी पानी, गले तक कंठे पानी में ठाकुर जी और सुदामा खड़े, अभी कहाँ जाए क्या करे। इतने में गुरु जी आए, पुकारा सुदामा कृष्ण। बोले गुरुदेव हम यहाँ पर, बोले वहां क्या कर रहे हो? लेकिन जो लकड़ी का जो गठली है ना, सर से उतारा नहीं, सर पर रखे, क्यों? गीली हो जाएगा तो फिर खाना कैसे बनेगा। गुरुदेव इनकी सेवा चेष्टा देख करके फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है, बोले जाओ तुम्हारे हृदय में सारे वेद पुराण उपनिषद सबके सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो जाए, बस गुरु जी की कृपा हुई। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं सुदामा ना अहम इज्जा प्रजाति
तपस्व उपसम निवा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा ही था। मैं गुरु जी की सेवा से जितने संतुष्ट होता हूँ उतना मैंने और कई पूजा पाठ स्वाध्याय इत्याग और किसी चीज को द्वारा मैं इतना संतुष्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते जब कोई शिष्य गुरु जी के चरण में निष्कपट रूप में शरणागत होते हैं, निष्कपट रूप में शरणागत होते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं उनको दीक्षा शिक्षा आदि प्रदान करके उसको धीरे धीरे भक्ति जगत में धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। कहते ये चौथा नंबर उपदेश है। कहते जो पंचमा नंबर उपदेश है बोले साधु रूप अदाश्रय फले हरि भजन करते करते क्रमशः अनर्थ निमुक्त या परमार्थ स्वरूप जानते पाले। यहाँ पर गुरुदेव हम धीरे 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 भक्ति जगत में धीरे धीरे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसका क्रम को धीरे 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 यहाँ बता रहे हैं। धीरे धीरे हम कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम गुरु जी की चरण में साधु चरण में हम चरणाश्रय करते हैं कहते उसके बाद में क्या होता है फिर उसके बाद में फिर हम भजन करना शुरू करते हैं। जो भजन करना शुरू करते हैं जितना परिमाण में हम भगवान की भक्ति करेंगे बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। धीरे धीरे जितने परिमाण में हम सिंसियर होकर के भगवत भक्ति करना शुरू करेंगे उतना परिमाण में क्या होगा धीरे धीरे भक्ति फिर परेशान भव उसको साथ साथ में फिर हमें भगवत अनुभूति होने लग जाती है। फिर जब तो जितने भगवत अनुभूति होने लग जाएगा फिर तो विरक्ति अन्यत्र उतना परिमाण में फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति संसार के प्रति हमारी विरक्ति होने लग जाएगा। अगर हम पहले ही सोचेंगे ये माया छोड़ो माया छोड़े सब माया है माया है माया छोड़ नहीं सकते माया को हम कोई छोड़ नहीं सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें अपना भजन साधन को हमें बढ़ाना पड़ेगा अपना भजन साधन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर संख्या पूर्वक नाम करेंगे नहीं रोज हम इतने हरि नाम करेंगे रोज सवेरे उठेंगे तिलक लगाएंगे गुरु मंत्र जप करेंगे तुलसी परिक्रमा करेंगे रोज जय ध्वनि देंगे रोज ठाकुर जी की आरती उतारेंगे रोज नियम करेंगे कुछ ग्रंथ अध्ययन करेंगे कुछ समय बैठ करके तुलसी ठाकुर के सामने हम संख्या पूर्वक हरिनाम करेंगे। अब देखो कुछ नियम बनाओ जितना समय हम साधन भजन करते जितना नियम बनते क्या होता है समय जब भगवत भक्ति में चला गया फिर माया की चिंता ही रही नहीं तुम्हारी। लेकिन जब हमें समय मिल जाता है ना हमें जब समय मिल जाता है फिर वो क्या होता है फिर समय मिलने पर फिर हमारे मन और किसी चीज में जाती है। लेकिन हमारा मंदिर में देखो मंदिर में मतलब मंदिर जो है प्रभुपाद कहते थे मंदिर नहीं प्रभुपाद कहते थे राधा रानी का जो निकुंज महल को मैंने ये गौड़ीय मठ रूप में मैंने स्थापन किया प्रभुपाद गौड़ीय एकदम निकुंज राधा रानी के निकुंज महल ही ये गौड़ीय मठ है। और सचमुच से प्रभुपाद ने जो नियम दिखाया ना प्रभुपाद ने एकदम जैसे निकुंज मंदिर में वृंदावन में क्या होता है राधा कृष्ण कैसे संकेत में विश्राम करते हैं गोपियां सवेरे उठ करके स्नान करते तिलक लगाते हैं करके क्या करते हैं फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं आरती करते देखो मंदिर में वही हो रहा है ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हैं क्या करते हैं सब स्नान करके तिलक करके गुरु मंत्र जप करके सवेरे सवेरे क्या करते हैं ठाकुर जी की पहले तो संसार दावा फिर भजन करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं भजन के बाद में फिर उनने ठाकुर जी को आरती उतारते हैं गाते हैं ना मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भक्त हृदय। फिर ये भजन को किसको अगर पता है भजन उसमें क्या भाव अगर जिस समय मंगल आरती गाते हैं ना देखो वैसे कभी कभी होता है वैसे गाना चाहिए गा लेते हैं लेकिन अगर अब गाते समय मेरे भक्ति मेरे गुरुदेव कहते थे मेरे गुरुदेव कहते जो कीर्तन भक्तिविनोद ठाकुर ने जो कीर्तन लिखा है कहते नरोत्तम दास ठाकुर ने जो कीर्तन लिखा है मेरे गुरुदेव कहते था वेद पुराण उपनिषद पढ़ के भी ढूंढ नहीं पाओगे उसका अंदर में जो उन्होंने भावना दिया है। मेरे गुरुदेव तो कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर का जो कीर्तन का एक लाइन कहते एक लाइन अगर उसका अपना जीवन में कोई उतार दिया ना
उसका जीवन धन्य हो जाएगा। एक लाइन अगर कोई जीवन में उतार दे, इतने महत्वपूर्ण ये भक्त विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनदास ठाकुर का जो कीर्तन है, एक लाइन अगर कोई जीवन में उतार दे, अब कोई भी एक लाइन पढ़ो, कोई भी एक लाइन पढ़ लो है, कोई भी एक लाइन पढ़ दो, उसके अंदर में इतने भावार्थ है, उसके अंदर में इतने निगुड़ अर्थ है। गुरुदेव कहते थे एक लाइन ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगी, इतना महत्व एक कीर्तन की, इतने महत्व है। इसलिए जब हम वो कीर्तन करते हैं ना, अब कीर्तन एक होता है गाना गा लेते हैं, लेकिन आप देखना ध्यान देकर के, जब ये भजन को गाते हैं वो भजन में बोलता है क्या, अब थोड़ी सी आप ध्यान देकर बोलता है क्या, ध्यान देकर देखो आपका जो हृदय है ना गदगद हो जाएगी, एकदम हृदय गदगद हो जाएगी है। कैसे वहाँ का परिवेश है, भक्त प्रज्ञान कैसे हो, कैसे वहाँ परिवेश है, कैसे सुंदर फूल खिले हुए हैं, उसका सुगंध कैसे चारों तरफ में जा रहे हैं है? और कैसे सुंदर झांझर कांसर घंटा कैसे बज रहा है, प्रिया प्रियतम कैसे विश्राम कर रहे हैं, उनको कैसे उठा रहे हैं सखियां है, कैसे मंगल ध्वनि गा रहे। अब इधर याद करो, उसके बाद में जो विवाह वरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोल हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण है ग्रीव। अब एक तो गाना तो गा लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान कर देखना, वो जो एक जो शब्द है कृष्ण का, जो अलग अलग नाम उसमें दिया गया, कितने कृष्ण के कितने अलग अलग नाम दी गई। अब थोड़ी सी वो कीर्तन में ध्यान देकर उस समय भजन गाओ, अब देखना क्या एक एक मानस चंद्र चकर जानवा जीवन के लिए परायण है, जो उनकी जो निकुंज लीला की, उनके राधा कृष्ण इतने सुंदर जो नाम भक्ति विनोद ठाकुर दिया ना, अद्भुत उन्होंने जो नाम को साथ में, अब थोड़ी होता है गाना तो गा लिया, लेकिन उसको स्मरण करते हुए थोड़ा सा ये करो कितना सुंदर है। इसलिए मंगल आरती के बाद में फिर बैठ कर क्या भाई आनी करते हैं, बैठ करके हरिनाम करते हैं, उसके बाद में फिर एक घंटा कीर्तन होता है, फिर एक घंटा क्लास होती है। देखना 8, 8:30, 9 बजे तक सवेरे कितना बजे से 4 बजे से उठे, 4 बजे से उठ करके सवेरे तक 9 बजे तक 5, 6, 7, 8, 9 अब देखना 9 बजे तक जो मन है, हाँ जो मन है, एक सेकंड भी इधर उधर मन नहीं जाता है, पूरा मन नहीं जाता है, पूरा मतलब कितने बड़े साधन है। इसलिए प्रभुपाद इसलिए कहते थे ये क्या है, कहते राधा रानी की निकुंज मंदिर ही गौड़ी मठ है, भगवत चर्चा हरि कीर्तन हरि नाम हरि का भजन बास पूरा के पूरा। उसके बाद में फिर कोई सब्जियां मुनिया करते हैं ठाकुर जी के लिए, जैसे राधा रानी क्या करती है नंद भवन में कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर खाना बनाती है, सुंदर सुंदर प्रसाद बनाती कृष्ण के लिए है, सुकता साकादि भाजी नलिता पुष्पांड, फिर कोई भक्त क्या करते हैं ठाकुर के लिए सुंदर फूल की माला बनाते हैं है, कोई फिर भागवत पढ़ते हैं, कोई हरिनाम करते, कोई सेवा करते हैं, पूरा के पूरा जो गौड़ीय मठ है ना, अगर सचमुच से चीज को कोई सचमुच से करे 26 घंटा में 26 घंटा भगवान स्मरण, फिर जब ठाकुर जी के भोगार दिन लगता है उस समय जो फिर कीर्तन करते हैं, फिर उसमें आरती होती है, फिर शाम को फिर उठ करके ठाकुर जी का फल भोग लगाओ, ठाकुर जी के लिए सेवा करो, अब 24 घंटा ना देखना पूरा 24 घंटा पूरा जो अष्ट जाम में जो लीला है ना, 8 जाम में जो लीला है पूरा के पूरा है, पूरा के पूरा है। इसलिए इसलिए गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम हरि भजन करना शुरू करते हैं, भक्ति करना धीरे 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 क्या होता है, धीरे 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 अनर्थ धीरे धीरे निर्मुक्त तो होने लग जाते हैं। हर हर पर क्या होता है, फिर परमार्थ स्वरूप जानते पारे, फिर क्या होता है जीव का जो परमार्थ जो स्वरूप, जो जीव का असली जो स्वरूप है, हम कौन है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है, फिर तो अपना अंतर स्वरूप जिसका जो स्वरूप, फिर वो चीज को वो समझ सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु जी की क्या क्या लक्षण होनी चाहिए, गुरु जी की क्या क्या लक्षण होनी चाहिए, यहाँ पर बताए निखिल शास्त्रेर तात्पर्य ज्ञाता भगवत निष्ठ भजन परायण साधु ही प्रकृत गुरु बद्ध जीवेर मनोधर्म अनुकूल जहार कथा बोलिया मन के आकृष्ट करिया चेष्टा करें तहरा प्रकृत गुरु पद वाच नहीं परंतु जीवर शत्रु ताहदर कथा जतई मनोरम बलिया मन होना के न ताहदर संग कदाच करीबे ना। बुझते बार छे ना अपनारा, अपनारा किछु किछु एकटू एकटू बुझते बार छे, हाँ ये
बंगला थोड़ी थोड़ी समझते कि नहीं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते गुरु जी की क्या लक्षण होनी चाहिए है? गुरु जी की क्या लक्षण, बताओ गुरु जी का क्या लक्षण होनी चाहिए, कौन सा श्लोक है? हाँ जोर से बोलो, मतलब क्या बताओ, को जोर से बोलो, इसका मीनिंग बताओ हिंदी में बोलो। इसलिए जो श्लोक है ये भागवत का एकादश स्कंद का श्लोक है, वहाँ पर नेमी महाराज नव जोगेंद्र को प्रश्न कर रहे हैं, उसमें नौ क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन है कि जो माया है ना ये बड़ा ठगनी है, ये माया बड़ी ठगनी है और ये माया को पार होना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है माया को पार होना। तो वो प्रश्न करते हैं ये माया को उत्तीर्ण होने का सबसे सरल उपाय क्या है, ये नवी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। कहते नव जोगेंद्र में एक नव जोगेंद्र में एक अन्यतम उसका उत्तर देते हैं कि तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्म निपना समाश्रय। कहते अगर ये माया से कोई उत्तीर्ण होना चाहते हैं क्या करनी चाहिए, बोले तस्मात गुरुम प्रपद्येत, मतलब माया से उत्तीर्ण होने के लिए उसको क्या करनी चाहिए, गुरु जी के चरण में उसको शरणागत होनी चाहिए। कहते गुरु जी की लक्षण भी तो कुछ होनी चाहिए, तस्मात गुरुम प्रपद्येत, यहाँ पर जो एक शब्द बताए ना, बोले प्रपद्येत, प्रपद्येत मतलब क्या है, बोले पूर्ण रूप में शरणागत होनी चाहिए, पूर्ण रूप में शरणागत। ऐसे तो होता है, हैं ऐसे तो होता है आए गुरु जी के पास में रहे है? लेकिन एक होता है बोले सिंसियर होकर के गुरु जी की शरण में शरणागत होकर के भगवत भजन करना, एक सिंसियर होकर के भक्ति करनी चाहिए है? और एक होता है साधारण रूप में आए ठीक है गुरु जी के चरण में आए खाए पिए और जीवन बिता दिए है, लेकिन जो सचमुच से जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत अनुशीलन करना चाहते हैं, बड़े सिंसियर रूप में सचमुच से गुरु जी के चरण में शरणागत होकर भगवत प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो है, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो, सिंसियर होकर के भक्ति में साधन भजन करनी चाहिए है। इसलिए प्रपद्येत बोले जिज्ञासु श्रेय उत्तम, बोले गुरु जी के पास में क्या प्रश्न करनी चाहिए, बोले श्रेय उत्तम, श्रेय उत्तम श्रेय मतलब जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्ति है। कहते एक श्रेय है और एक प्रेय है, दो चीज प्रभुपाद ने बताया। कहते श्रेय प्रेय मतलब होता है क्या, बोले जो प्रेय मतलब होता है पहले जो बढ़िया लगता है पहले, लेकिन अंतिम जो फल है, अंतिम जो फल इसका है वो सही नहीं है, कभी ये प्रेय है। बोले श्रेय क्या है, पहले तो कड़वा लगती है लेकिन बाद में जो बढ़िया है। पहले देखो साधन भजन करना कठिन पहले लगता है, साधन भजन पहले कठिन लगता है, सवेरे उठो जिस समय, विशेषकर ठंडा समय में देखो, जिस समय रजाई उड़ करके सोने का समय होता है ना, उस समय आरत में जो आता है उस समय उठने का समय होता है, हाँ विशेषकर ठंडा समय में कोई इसको इच्छा होता है रजाई निकाल दो, नहीं आरती का समय हो गया उसको पहले उठ करके नहा धो कर तिलक लगा करके आरती में चलो, फिर बैठ करके हरिनाम करो हैं, फिर ये मन को भजन में लगाओ। पहले इतना कठिन लगता है, इतना पहले कठिन लगता है लेकिन इसका जो फल होगा ना अमृत फल है, लेकिन पहले जो अच्छा लगता है लेकिन बाद में क्या है वो जहर है। इसलिए कहते उत्तम श्रेय है, उत्तम श्रेय को उनको प्रश्न करनी चाहिए। कहते गुरु जी का लक्षण क्या होनी चाहिए, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कहते सब्दे परेच निष्णातम है, शब्द परेच निष्णातम मतलब कहते समस्त शास्त्र में पारंगत होनी चाहिए। क्यों, मतलब अगर शास्त्र में पारंगत नहीं होगा ना, जो शिष्य का जो प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं दे सकता, अगर गुरु जी की शिष्य को अगर उत्तर नहीं दे सकता है पर उसका मन में शंका रह जाएगी, उसके मन में शंका रह जाएगी। इसलिए कहते यही क्या सब कुछ है, बोले नहीं, कहते ये तटस्थ लक्षण है, कहते उसका जो स्वरूप लक्षण है पर परेच, परेच मतलब होता है साधन भजन परायण होनी चाहिए,
अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। सचमुच से केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए ही बोलते हैं ऐसे नहीं, अपना जीवन में भी आचरणशील होनी चाहिए हैं। इसलिए उसमें पारंगत होनी चाहिए। इसलिए शब्द परिच निष्णातम ब्रह्म न्यूप समाश्रयम, इसलिए जो संपूर्ण रूप में ब्रह्म में परिनिष्ठित भगवत शरणागत व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर गुरु जी कह रहे हैं, कहते पति गुरु जी का ये लक्षण होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति बद्ध जीव का मनोधर्म अनुकूल जहरा कथा बलिया मन का आकृष्ट करते चेष्टा करे। इसी जगत में अक्सर करके बंगाल में तो छाया हुआ है सब चीजें, ये सब छाई हुई चीजें जगत में। कहते अरे भजन भजन करने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत दिन भर सारा दिन जो कुछ करना करना, बस रात में सोने से पहले हैं, रात में सोने से पहले एक बार ठाकुर का नाम लो और सो जाओ, क्या है। और उधर अगर किसको बोलोगे भैया मांस मछली खाने नहीं चाहिए तो कोई क्या कहते हैं, बोले ये आत्मा जो चीज चाह रहे हैं भाई, आत्मा जो चीज चाहे उसको तो देनी चाहिए ना, वो आत्मा चाह रहे हैं मांस मछली खाने के लिए, उसको क्यों कष्ट दे रहे हो। मन अगर तुम्हारी चाह रहे मांस मछली खाने के लिए, उसको कष्ट क्यों दे रहे हो, उसको कष्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक खाने की इच्छा ना तब तक खूब खाओ है, जब अपनी आप इस सब चीज से दूर हो जाएगा ना फिर तो कोई बात नहीं। बंगाल में और वहां पर और एक संप्रदाय काला जादू संप्रदाय, अब सोच नहीं सकते इतनी उल्टा पुल्टा संप्रदाय है। कहते भैया खूब मांस मछली खाओ, स्त्रियों के साथ में रहो, भोग करो, हाँ, और हरि बोल। नित्यानंद प्रभु आए, बहुत बहुत सरल कर दिया है, सरल किया, मांस मछली जो कुछ खाओ, जो जो कुछ भोग करो, बस एक बार गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल बोल, बस हो गई। मतलब ऐसे ऐसे बंगाल में हम सोच नहीं सकते, इतने उल्टा पुल्टा है, इतने गंदी गंदी, जिसको सुनोगे ना थुकार। इसलिए बाबा जी माता जी दल है, देखोगे पहने हुए लाल कपड़े साधु का ड्रेस पहने हुए, लेकिन स्त्रियों को लेकर घूमते हैं, ऐसे कुछ संप्रदाय है। इसलिए और इतने उल्टा पुल्टा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जो बद्ध जीव है ना, अगर उसको बोलोगे, अब देखना कुछ कुछ हमारे भारत में भी बड़े बड़े सत्संग है, कोई नियम नहीं, मांस मछली दारू फारू का कोई नियम नहीं, प्याज लहसुन चाय सब पियो, सब कोई चिंता नहीं, लेकिन केवल सत्संग में आ जाओ। अब देखो उसमें कितने लोग है भगवान, तुम देख देख करके तो दंग रह जाओगे। हाँ, एक हमारे भारत में सत्संग है, क्या उसको क्या बोलते हैं, सत्संग है उसका, वो सत्संग करते हैं, नहीं अनुकूल है, एक अनुकूल बाबा है और एक प्रतिकूल बाबा है, और एक सत्संग है, हाँ डेरा लगता है सत्संग का, डेरा लगती है, हाँ सत्ता सच्चा सौदा, इसे सच्चा सौदा भी और भी है, केवल वही नहीं, और एक है जिसमें और कुछ लोग है, जिसमें इतना सत हजार हजार लोग देखोगे, हाँ निरंकारी, हाँ निरंकारी बाबा, आप देख देख ना दंग रह जाओगे, इतने दंग रह जाओगे कि इतना लोग आते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो बद्ध जीव का मन के अनुकूल का बात बोल कर, भैया जो कुछ करना करो, प्रेम बांटो, और एक संप्रदाय बोले प्रेम बांटो, कहते प्रेम को बांटो जगत में, दुनिया में प्रेम को जितना हो बांटो है प्रेम को, लेकिन जिसमें कोई नियम कानून नहीं, नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं जो व्यक्ति ऐसे बद्ध जीव की मन की अनुकूल, मतलब मन जो चाहता है ऐसे बोल करके हैं, जहरा आकृष्ट मन के आकृष्ट करने के लिए चेष्टा करते हैं, कहते वास्तविक रूप में वो गुरु पदवाच्य नहीं, कहते वो गुरु बनने का लायक नहीं, बल्कि जीव का परम शत्रु है, है? जीव का केवल एक ही स्वरूप है, जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, है नित्यदास, कहते वो जीव का शत्रु है। ताहदेर कथा मनेर बोलिया जत्तो मन होना के न, ताहदेर कथा जत्त ही मनोरम बोलिया मन होना के, उनकी कथा जितने क्यों अच्छी नहीं लगे, मन को अच्छा लगता है ना, मन को जो अच्छा लगे, हाँ वही बात कहते, ताहदेर संग कदाच करीबे ना, कहते ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करनी चाहिए, फिर तो तुम्हारी क्या होगा, फिर तुम भक्ति से चुत हो जाओगे, भक्ति से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए ऐसे नहीं, इसलिए हमें, इसलिए हमारे भक्तवर ठाकुर कहते हैं,
जगत रे धर्म नामे जतो कथा चले भागवत कहिता परिपूर्ण चले। भक्तिम ठाकुर कहते जगत में धर्म का नाम पर जितने सारे बात चल रहा है, कहते ये क्या है, बोले परिपूर्ण छल धर्म है, ये प्रकृत धर्म नहीं, इसलिए सभी पुंसा परो धर्म जतो धर्म है। भगवान कृष्ण को कैसे हमें प्रसन्न करनी चाहिए, सारे प्रतिकूल चीज को त्याग दे करके कैसे हम गुरु वैष्णव भगवान को संतुष्ट करनी चाहिए, विशेष करके कली का जो चार नियम है उसको हमें जरूर पालन करनी चाहिए। कली की जो चार नियम इसको पालन करनी चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलनी चाहिए, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, और हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये चार धर्म नियम का हमें जरूर हमें पालन करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ऐसे संघ से हमें दूर रह करके हमें शुद्ध भक्त का संग हमें करनी चाहिए। अभी संजय प्रभु जी आपको कुछ कथा सुनाएंगे, हम लोग कुछ कथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद अष्टोदर्शन श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णवी सबको मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज जी जो सारी बातें अभी बतला रहे थे उसको सुनकर के मन में जो दो एक बातें शिला प्रभुपाद जी की चल रही थी। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को हम लोग अभी गुरु महाराज जी की कथा सुन रहे थे, है जी। आवाज नहीं आ रही ना, मैंने बोला अंदर में आओ, तुम बाहर बैठे, तुम अंदर के लोग बाहर क्यों बैठे हो, अंदर भीतर में जगह है, इधर आ जाओ, बहुत जगह अंदर में, ये सुधर्मा सभा है। एक सीट खाली रही, हाँ एक सीट खाली रही, इधर आ जाओ। हरी बोल हरी बोल, मेरी आवाज सुनाई दे रही थी ना, भगवान ने दिव्य ज्ञान संजय को दिया ना, अंदर से आओ भक्त। हरे कृष्णा अब आएगी आवाज धीरे धीरे। तो गुरु महाराज जी मैंने सोच रहा था पहले बाहर क्लास दूंगा, लेकिन एक जीव गोपी देख नहीं रही थी, लेकिन धीरे 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 आया सब। गुरु महाराज जी कार्तिक मास में बहुत प्राचीन समय में जब थोड़े से लोगों के साथ परिक्रमा करते थे तो उन्होंने मथुरा मठ में हरि कथा करते समय संध्या के समय उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोगों को शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के विचार को समझना पड़ेगा। एज इट इज ये गुरु जी के शब्द थे, हम लोगों को शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के विचार को समझना पड़ेगा। उनके विचार को समझने के लिए गुरुजी के विचार को समझना पड़ेगा, और गुरुजी के विचार को समझने के लिए
यदि गुरु जी का साक्षात प्रकट संग है तो बहुत ही श्रेष्ठ, किंतु यदि गुरु जी का साक्षात प्रकट संग नहीं हो तो जो गुरु भ्राता गण है जिन्होंने गुरु पाद पद्म की निष्कपट भाव से सेवा की, और वहां गुरु जी ने कुछ और भी शब्द बतलाए, उन गुरु बहनों का भी हम लोगों को संग करना होगा, जो हमसे कुछ अधिक समझते हैं, स्निग्ध हैं, ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य हिंसा किसी के प्रति नहीं रखते हैं, चरित्रवान हैं, आचरणशील हैं, ऐसे गुरु भ्राताओं का संग भी हमको करना पड़ेगा, तब हम परंपरा क्रम से इस विचार को हम श्रील प्रभुपाद जी के ले सकते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं वहां पर साधन करने का अर्थ है, ये विशेष करके हमारे परम गुरु महाराज जी कहा करते थे कि साधन करने का अर्थ है, जो वास्तविक साधन है उसका अर्थ है श्री गुरु के हृदय को जानना, श्री गुरु के हृदय में प्रवेश करना। एक बात मैं बतलाता हूँ, देखिये श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर किसी समय अनवसर काल में जब जगन्नाथ जी की 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाता है स्नान यात्रा के पश्चात, उसको कहते हैं अनवसर काल, दर्शन नहीं होता इसलिए कहते हैं अनवसर काल। श्रील प्रभुपाद जी पुरी में थे और बीच बीच में अलालनाथ जाया करते थे, और उस समय वर्षा ऋतु होती है, कुछ आरंभ होने वाली होती है तो बड़ी भीषण गर्मी होती है, और पुरी का जो वेदर है वो हम लोग भी जाते तो कुछ अनुभव करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अनवसर काल में हम लोगों को अलालनाथ जी में जाकर के श्री अलालनाथ जी की सेवा करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अलालनाथ जी को गौड़ियनाथ के रूप में स्वीकार किया है, तो हम लोगों को भी 15 दिन अलालनाथ जी में जाकर अलालनाथ जी की सेवा करनी चाहिए। देखिए ये मुक्त महापुरुष की जो चित्त वृत्ति है उसको जब तक नहीं समझेंगे कुछ, जब तक उसमें कुछ प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में साधन साधन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये बात कही कि हमको अलालनाथ जी में जाकर के अब उनकी चित्त वृत्ति क्या है, वो किस भावना के साथ जाना चाहते हैं, ये मूल बात है। किसी सेवक ने उनके उस समय में कहा कि अलालनाथ जी में तो इस समय बड़ी गर्मी होती है, अलालनाथ जी में जाकर के रहना बड़ा कठिन होगा। श्रील प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, 2-4 क्षण मौन रहने के पश्चात उन्होंने एक श्लोक कहा, स्थितवा बहिर्व्यजन यंत्र निबद्ध डोरी। ये संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ का एक श्लोक है, ये जो संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ है इसमें लगभग 104 श्लोक हैं, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा अथवा जो पढ़ेंगे वो जानेंगे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ में श्रीमती राधिका के चरणों में अपने सिद्ध स्वरूप की भावना से सेवा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है, बहुत उन्नत भाव है उसमें उनके। श्रील प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कहा, कुछ उत्तर नहीं दिया, जब ये सुना उन्होंने कि किसी ने कहा गर्मी है वहां पर जाकर रहना बड़ा कष्टकारी होगा, श्रील प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, एक श्लोक बोले बस, स्थितवा बहिर्व्यजन यंत्र निबद्ध डोरी। इसका अर्थ है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सिद्ध स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती राधिका से कि कब मेरा ऐसा दिन आएगा आप कृष्ण के साथ में निकुंज में अपनी बड़ी गूढ़ लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रवेश करेंगी। अपने सिद्ध स्वरूप में श्री चक्रवर्ती पाद प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधिके, हे श्रीमती राधिके, आप कृष्ण के साथ निकुंज में अपनी बड़ी गूढ़ लीलाओं को संपादित करने के लिए प्रवेश करेंगी, और मैं क्या करूंगा, स्थितवा बहिर्व्यजन यंत्र निबद्ध डोरी, और मैं बाहर से बैठ करके क्या करूंगा, भीतर में वस्त्र लगा रहता, राधा रमन जी के मंदिर इत्यादि में आपने देखा होगा भीतर वस्त्र रहता, उसको खींचते हैं, जब प्राचीन समय में ये हवा इत्यादि की ये सब वायु बीजन करने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो कहते मैं बाहर में बैठकर यंत्र निबद्ध डोरी, मैं रस्सी से खींच करके, अब मैं इसको अधिक नहीं कहूंगा, इसमें बड़ा अधिकार का विचार है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत सावधानी पूर्वक इनका परिवेशन करने की बात गुरु महाराज जी कहते थे। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे राधिके, आप कुंज के भीतर प्रवेश करेंगी, कृष्ण के साथ में अपनी बड़ी निगुंज की लीलाओं को प्रकाशित संपादित करने के लिए, तो मैं बाहर बैठकर क्या करूंगी, अपने सिद्ध स्वरूप में कह रहे हैं, मैं बाहर बैठकर क्या करूंगी, आपको लीला इत्यादि सब संपादित करने से श्रम बिंदु जाल, पानी विकर्षणी श्रम बिंदु जाल, तो आपको पसीना आ जाएगा, तो मैं बाहर से बैठकर कुंज में क्या करूंगी, पंखा करके आपके उस श्रम बिंदु जाल, वो जो श्रम से आपको पसीना आया उसको दूर करूंगी।
ये इतने उन्नत स्तर की भावना है जिसको समझने के लिए भी हमको कुछ विशेष अधिकार लाभ करना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद जी कहा करते थे एक बात कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट ना होने से, असाधारण योग्यता ना होने से भक्ति की बात समझ में नहीं आएगी। हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट अर्जित करनी पड़ेगी, प्रवेश करना पड़ेगा उस वस्तु के भीतर। नहीं तो क्या होगा, साधन के नाम पर इतनी सारी वस्तु है, भक्ति के नाम पर इतनी सारी वस्तु है। श्रीला गुरु महाराज जी वहां पर कह रहे हैं कि ये जितने भी अब संप्रदाय हैं जिनका अभी महाराज जी भी बता रहे थे, ये सब निकले कहां से हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए। बड़ा गुरु महाराज जी की कथा सुने, मेरा तो पुनः पुनः प्रार्थना करता हूं ये सुने ये सब विचार गुरु जी के। गुरु जी कह रहे हैं इस बात को कि ये अब संप्रदाय कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे भीतर में से ही निकले हैं सब। और उस समय में तो 13 प्रकार के अब संप्रदाय थे, अब तो पता नहीं कितने हो गए। अब संप्रदाय का अर्थ क्या है, इसको गुरु जी ने वहां पर कुछ इलैबोरेट किया, इसकी व्याख्या की। अब संप्रदाय क्या है, अर्थात संप्रदाय प्रणाली जो है, जो संप्रदाय प्रणाली अर्थात जो एक गुरु परंपरा से जो सब विचार चला आ रहा है उसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश को जोड़ देना। प्रक्षिप्त अंश अर्थात पीछे से अपने स्वार्थ के लिए कुछ अंश को जोड़ देना, इसको कहते अब संप्रदाय प्रणाली। बहुत सारी बातें और कही, इतना समय नहीं है उसको कहने का। अर्थात गुरु वर्गों ने जो ठीक ठीक विचार बतलाया, जो ठीक ठीक धारा दी है, जो जिस प्रकार का विचार वैशिष्ट्य बतलाया, उसमें कुछ भी अपने स्वार्थ के कारण जोड़ देना, इसको आप समझिए अब संप्रदाय है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये कहीं बाहर से नहीं निकले, ये सब हमारे भीतर से निकले। और अभी भी हम यदि ठीक ठीक रूप में गुरु वर्गों के उस विचार को ना ले सके, ठीक ठीक रूप में उन सब विचारों को यदि ग्रहण ना कर सके, तो हमारे भीतर में भी कभी कुछ करने की इच्छा साधन, कभी कुछ करने की इच्छा, ये सब हमारे भीतर में आ जाएगा। जैसे महाराज जी कीर्तन की बात कर रहे थे, गुरु जी ने वहां पे बात कही कि सुखदेव गोस्वामी जी को कीर्तन के लिए कहा गया। नवदा भक्ति के एक एक अंग से सब भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया ना, सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन से किया, परीक्षित महाराज जी ने श्रवण से किया, इसी प्रकार से। तो गुरु जी कह रहे थे, देखो ये उनके शब्द है, गुरु जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को कीर्तन के लिए दिया, अब ये बतलाओ सुखदेव गोस्वामी जी को पखावज बजाना आता था, सुखदेव गोस्वामी जी को हारमोनियम बजाना आता था, इसका अर्थ ये नहीं जिनको बजाना आता है कोई असुविधा है। भक्ति के अनुकूल जो कुछ है, गुरु वैष्णव की सेवा के अनुकूल जो कुछ है, उसको भक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। किंतु मूल आदर्श की बात क्या है, गुरु महाराज जी कहते हैं कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी जी को लिया गया, तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जी के जो चित्त की वृत्ति है, सुखदेव गोस्वामी जी ने जिस चित्त वृत्ति के साथ में कीर्तन किया, उस चित्त वृत्ति को लक्ष्य करके सुखदेव गोस्वामी जी को सर्वश्रेष्ठ कीर्तनकारी कहा गया। तो उस चित्त वृत्ति को लक्ष्य करना है। श्रीला प्रभुपाद जी, अब हमारे जैसे साधारण लोगों के दृष्टिकोण से, जैसा हमने परम गुरु जी की बात सुनी कि परिक्रमा तो गुरुदेव कर रहे हैं, एक अब उनकी क्या भावना है। गुरु महाराज जी बता रहे इस बात को कि कभी सुना होगा, मैंने पहले भी कहा कि परम गुरु जी ने जब नवदीप परिक्रमा के समय देवानंद गोड़िया मठ की विग्रह प्रतिष्ठा हुई, गुरु जी कहते हजार हजार लोगों के बीच में उन्होंने इस बात को कहा कि परिक्रमा कौन कर रहा है। तो गुरु जी कहते मैंने प्रश्न किया उनसे, ये 15-20 हजार लोग सभी परिक्रमा कर रहे हैं, ये 15-20 हजार सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते उन्होंने हमारी बात सुनकर उत्तर दिया, नहीं परिक्रमा केवल एक व्यक्ति कर रहे हैं, वो है श्री गुरुदेव। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हमने गुरुदेव की मनोवृत्ति चित्त वृत्ति को जितना हम पकड़ पाए हैं उतने परिमाण में हमारी परिक्रमा हो रही है, वास्तव परिक्रमा। नहीं तो इसके अतिरिक्त क्या है, कुछ सुकृति अर्जन करना मात्र है, इसके अतिरिक्त केवल कुछ सुकृति अर्जन कर रहे हैं जिनका जैसा जैसा अधिकार है। किंतु गुरुपाद पद्म जिस भावना के साथ परिक्रमा कर रहे हैं उसको लक्ष्य करना, उनके चित्त वृत्ति को लक्ष्य करना, उनके हृदय में प्रवेश करना, ये वास्तव में क्या है, इसको गुरु जी कह रहे साधन है। अब साधारण दृष्टिकोण से तो ये डिस्टर्ब, अब साधारण दृष्टिकोण से तो श्रीला प्रभुपाद जी ने इस बात को कह दिया कि हम जाएंगे लालनाथ जी में लालनाथ जी की सेवा करने, किंतु श्रीला प्रभुपाद जी के जो चित्त की वृत्ति है, श्रीला प्रभुपाद जी के जो मन की वृत्ति है, गुरु जी कह रहे हैं उसको कितने लोग लक्ष्य कर पाए, वो किस भावना के साथ में लालनाथ जी जाना चाहते हैं, वो किस भावना के साथ में लालनाथ जी रहना चाहते हैं, वो किस भावना के साथ में लालनाथ जी की सेवा करना चाहते हैं, इसको कौन लक्ष्य कर पाया। जो इसको जितने परिमाण में लक्ष्य कर पाया उनका उतने परिमाण में शिला प्रभुपाद जी के साथ में अलालनाथ में वास करना हुआ, नहीं तो केवल शरीर से वास करना हुआ, कुछ सुकृति अर्जन करना मात्र हुआ।
इसलिए परम गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु के निकट में रहकर भी शिष्य को पथ भ्रष्ट देखा जाता है, क्योंकि वो वास्तव में गुरु के निकट में कभी था ही नहीं, गुरु के निकट में कभी था ही नहीं, केवल शरीर से संग किया गुरु का, गुरु के चित्त वृत्ति को कभी भी वो लक्ष्य नहीं कर सके। इसलिए परम गुरु महाराज जी कहते गुरु की मनोवृत्ति, गुरु की जो चित्त वृत्ति है उसको लक्ष्य करना, उसको लक्ष्य करके साधन करना। मेरे गुरु पाद पद्म किस भाव में है, मेरे गुरु पाद पद्म किस विचार के साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, केवल हरि कथा सुनना नहीं। गुरु जी कह रहे कहीं विदेश में श्रीमद भगवत गीता के ऊपर उन्होंने कुछ प्रवचन कहे, और गुरु जी कहते हैं भगवत गीता के ऊपर में असंख्य टीकाएं हैं, असंख्य लोगों ने असंख्य टीका दी है, किंतु वो कृष्ण के मन की जो वृत्ति है उसको कितने लोग समझ सके। तो गुरु जी कहते हैं जो शब्द उन्होंने व्यवहार किया, गुरु जी कहते हैं कृष्ण के शब्द नहीं, कृष्ण की टोन को कितने लोग समझ सके, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं इसको कितने लोग समझ सके। जो लोग इसको समझ सके उन्होंने वास्तव में कृष्ण के हृदय का जो भाव है उसको उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए जो वास्तव में साधु संघ जिसको कहा गया, वास्तव में गुरु वैष्णव का संघ जिसको कहा गया, वो उनके चित्त के वृत्ति को लक्ष्य करना। जब तक उनके चित्त की वृत्ति को लक्ष्य नहीं करेंगे तब तक वास्तव में परिक्रमा नहीं होगी। गुरु महाराज जी जिस भावना के साथ में परिक्रमा कराते थे, श्री परम गुरुदेव कहते उसका एक बाह्य अनुष्ठान है। हमारे रूपानु गुरु वर्ग जिस भावना के साथ में परिक्रमा कराते, एक उसका बाह्य अनुष्ठान है। बाह्य अनुष्ठान अर्थात इतनी विराट परिक्रमा है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, प्रसाद इत्यादि चल रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है। परम गुरु जी कहते हैं ये बाह्य अनुष्ठान है, किंतु वो कहते हैं इसका एक आंतरिक अनुष्ठान भी है, इसका एक परिक्रमा कराने का एक आंतरिक अनुष्ठान भी है। वो आंतरिक अनुष्ठान क्या है, वो चित्त की वृत्ति जिसको महाराज जी ने भी कुछ स्पर्श किया, ये गौड़िया मठ। अब इस गौड़िया मठ के मूल तात्पर्य को कितने लोग समझ पाए, कितने लोग समझे इस बात को, प्रभुपाद जी ने क्या विचार लेकर के गौड़िया मठ की स्थापना की, श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो जो सब कीर्तन लिखे हैं अष्ट कृष्ण की अष्टयाम लीला के अनुसार, उन्होंने जो जो कीर्तन लिखे हैं, दोपहर के समय कृष्ण जब जाएंगे जमुना के तट पर, पुलीन भोजन करेंगे सखाओं के साथ में, प्रातः काल में उन्होंने एक प्रकार की भावना प्रकाशित की, संध्या के समय उन्होंने एक प्रकार की भावना को प्रकाशित किया। शिला प्रभुपाद जी ने उस सब को ग्रथित करके ये गौड़िया मठ की संरचना की है। ये बाहर से अब इसका एक बाह्य अनुष्ठान है, परम गुरु जी कह रहे हैं इसी बात को। इसलिए हम गौड़िया मठ के बाह्य अनुष्ठान की भक्ति करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। कितने लोग हम समझ पाएंगे उनकी इस बात को कि हम लोग गौड़िया मठ के बाह्य अनुष्ठान की भक्ति करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत सारी परिचालना है, बहुत कुछ हो रहा है। परम गुरु जी कहते हैं ये सब कुछ भक्ति के अनुकूल है तब तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो रूप सनातन गोस्वामी जी ने क्या आदर्श दिखाया ये परम गुरु जी बतला रहे। हम इसके बाह्य अनुष्ठान की भक्ति करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। हम किसकी भक्ति करेंगे, हम इस गौड़िया मठ के जो आंतरिक अनुष्ठान की भक्ति है, गौड़िया मठ का जो आंतरिक अनुष्ठान है हम उसकी भक्ति करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा इस बात को, जब तक मूल मठ में चैतन्य मठ में रहकर प्रभुपाद जी की सेवा करना हमारे लिए अनुकूल था हम तब तक वहां रहे, जब प्रभुपाद जी की सेवा करने में कुछ बाधा आई हमको एक क्षण भी नहीं लगा उस स्थान का त्याग करने में। कितने लोग समझ पाएंगे उनके चित्त की वृत्ति को, वो बाह्य अनुष्ठान की भक्ति करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए उनको एक क्षण भी नहीं लगा उस स्थान को परित्याग करने में। बाहर आ गए और क्या लेकर के आए अपने साथ में, कभी उनके गुरु भाई ने मायापुर से एक पत्रिका छपती थी, सुना होगा आप लोगों ने, उस पत्रिका में लिख दिया कि जो लोग श्री चैतन्य मठ से दूर हैं वो प्रभुपाद जी से दूर है। परम गुरु जी तो बड़े वज्र गंभीर स्वर में प्रतिवाद करते थे, उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा जो लोग श्रीला प्रभुपाद के आचार विचार से दूर हैं उनका कभी प्रभुपाद जी के साथ संग नहीं हुआ, उनका चैतन्य मठ में रहकर भी प्रभुपाद जी के साथ कभी संग नहीं हुआ, जो प्रभुपाद जी के आचार विचार से दूर है। तो आंतरिक अनुष्ठान की भक्ति, वो आंतरिक अनुष्ठान क्या है, श्री गुरु के हृदय की जो वृत्ति है, श्री गुरु के हृदय का जो भाव है, उस भाव को जब हम कुछ अपने हृदय में लेकर के आ पाएंगे, जब उस भाव को हम कुछ लक्ष्य कर पाएंगे, गुरु की मनोवृत्ति को जब कुछ लक्ष्य कर पाएंगे और जब वैसी सेवा कर पाएंगे। गुरु महाराज जी कह रहे हैं वहां बड़ी गंभीर गंभीर बातें, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में गंभीरा में कितने लोग हैं, गुरु जी ने प्रश्न उठाया चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में गंभीरा में कितने लोग हैं, गुरु जी कहते केवल 3.5 लोग, केवल 3.5 लोग, स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री की महती और माधवी देवी दिन के समय, किंतु उसमें भी प्रमुख रूप से राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर, और उसमें भी
गुरु महाराज जी कहते हैं उसमें भी कुछ भीतर में स्वरूप दामोदर जी का और भी कुछ विशेष सेवा वहां पर श्रीमन महाप्रभु जी की है। क्यों? महाप्रभु जब जिस भाव में आविष्ट है, एक प्रकार के विरह में आविष्ट नहीं है, विरह भी चार प्रकार का है, और उस चार प्रकार के विरह में एक एक में चार चार प्रकार का विरह है, अर्थात लहरियां हैं विरह की, एक के पश्चात एक लहरी, और उसको कौन जान सकता है? केवल स्वरूप दामोदर, एकला स्वरूप दामोदर, एकला दामोदर है यही अधिकार, एकमात्र स्वरूप दामोदर जी जानते महाप्रभु के भावों को। जैसी जैसी लहरी उठ रही है वैसे वैसे स्वरूप दामोदर जी श्लोक सुना रहे हैं। इतना उन्नत स्वरूप दामोदर जी का अनुष्ठान है, इतना उन्नत स्वरूप दामोदर जी की सेवा है। उन्होंने गुरु जी कहते किसको लक्ष्य किया? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मन की वृत्ति को लक्ष्य किया। इसलिए वास्तव में उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी का वो आंतरिक संग मिला, और उनकी कृपा से जो गुरु महाराज जी ने जहां से आरंभ किया कि जिनके हृदय में जो हमसे कुछ अधिक गुरु को समझते हैं, जिन्होंने हमसे कुछ अधिक गुरु का विचार लिया है, हमको उनका भी संग करना पड़ेगा। तो स्वरूप दामोदर जी का संग किसको मिला? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी के उन सब भावों से अवगत हो गए। गुरु महाराज जी कभी थे दिल्ली मठ में, प्रातःकालीन भ्रमण के पश्चात आकर बैठते थे 10-15 मिनट, जिन लोगों ने दर्शन किया होगा उनसे किसी ने प्रश्न किया कि कृष्ण भक्ति तो हमको मिलेगी वैष्णवों के निकट में, जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति है उनसे हमको कृष्ण भक्ति मिलेगी, गुरु भक्ति कहाँ से मिलेगी? तो गुरु जी ने कहा जिनके हृदय में गुरु भक्ति है उनके हृदय से ही गुरु भक्ति तुम्हारे हृदय में आएगी। तो जैसे कृष्ण भक्ति केवल वैष्णवों के निकट में मिल सकती है, ऐसे ही गुरु भक्ति भी। अब गुरु भक्ति का भी मानदंड है, परम गुरु महाराज जी कहते गुरु भक्ति का भी मानदंड है। क्या मानदंड है गुरु भक्ति का? गोविंद प्रभु एक प्रकार की सेवा करते हैं, स्वरूप दामोदर जी एक प्रकार की सेवा करते हैं, राय रमन जी एक प्रकार की सेवा करते हैं। तो परम गुरु जी कह रहे हैं और गुरु जी उनकी इन बातों को आगे विस्तार से बता रहे, सबकी सेवा एक प्रकार है, सबकी सेवा एक प्रकार है, सबकी सेवा एक प्रकार नहीं है, सबकी सेवाओं में बड़ा वैशिष्ट है। गोविंद प्रभु जी की सेवा बड़े उन्नत स्तर की सेवा है, उन्होंने कैसा आदर्श दिखला दिया। भीतर में महाप्रभु जी ने संकीर्तन किया एक समय और बड़े क्लांत हो गए, और सुना आप लोगों ने सुना होगा गंभीरा के द्वार पर सो गए गोविंद प्रभु जी। महाप्रभु जी के प्रसाद के पश्चात भीतर में जाकर चरण चापन करते थे, भीतर में जाकर चरण चापन करते थे, और उस दिन महाप्रभु जी इतने थक गए क्लांत हो गए द्वार पर सो गए। गोविंद प्रभु महाप्रभु जी के श्रीअंग पर अपना उतरिया डाला और चले गए भीतर सेवा की। महाप्रभु जी उठे, उठने के पश्चात पूछा, अरे आदिवश्या, प्रीति से कहते थे आदिवश्या, तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कोई छोटा, अपने से छोटा कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति। महाप्रभु जी ने पूछा, अरे आदिवश्या आज प्रसाद नहीं पाया? गोविंद प्रभु जी ने कहा आप तो मार्ग में लेटे कैसे प्रसाद पाता? महाप्रभु ने कहा जैसे भीतर आए वैसे बाहर चले जाते। तो गोविंद प्रभु जी ने क्या आदर्श दिखाया? गोविंद प्रभु जी ने आदर्श दिखला दिया, अपने उधर भरण के लिए यदि आपका लंघन करूं नरक में जाना पड़ेगा, आपकी सेवा के लिए 100-100 बार नरक में जाएंगे, इतना आदर्श है। ये गोविंद प्रभु महाप्रभु जी की सेवा करते हैं। एक शंकर पंडित जी थे, वो भी गुरु जी कहते महाप्रभु जी की सेवा करते थे। वो क्या सेवा करते थे? महाप्रभु जी जब दीवार पर अपना मस्तक रगड़ते थे छत विक्षत हो जाता था, तो वो शंकर पंडित जी महाप्रभु के बड़े सरल भक्त थे। भक्तों ने विचार किया उनको भीतर में सुना देंगे, तो महाप्रभु उनके भाई से दीवार पर अपना मुख नहीं घर्षण करेंगे, तो वो महाप्रभु जी के निकट में भीतर में सोते और महाप्रभु जी उनके ऊपर अपने चरण रख देते, इसलिए उनका एक नाम क्या हो गया? प्रभुर पादोत्थान। महाप्रभु जिनके ऊपर चरण रखते उनका एक नाम हो गया। तो गुरु जी कहते शंकर पंडित की सेवा से गोविंद प्रभु की सेवा का बड़ा विशेष वैशिष्ट है। शंकर पंडित जी कितनी सेवा कर रहे हैं, रात्रि के समय केवल शयन करते हैं, किंतु गोविंद प्रभु जिस प्रकार से प्रीति पूर्वक महाप्रभु जी को भोग लगाते हैं, उनकी सब सेवा करते हैं, शंकर पंडित जी से गोविंद प्रभु जी की सेवा का वैशिष्ट है। फिर गुरु जी कह रहे हैं गोविंद प्रभु जी से स्वरूप दामोदर जी की सेवा का जो वैशिष्ट है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि गोविंद प्रभु केवल बाह्य रूप से महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, किंतु स्वरूप दामोदर जी आंतरिक रूप से महाप्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जिसने गुरु को जिस प्रकार से गुरु की सेवा की, केवल बाह्य रूप से नहीं आंतरिक रूप से भी, उनका जब हम संग करेंगे तब गुरु के जो हृदय की जो चित्त वृत्ति है वो कहीं ना कहीं उनकी कृपा से हमारे हृदय में आएगी। इसलिए गुरु महाराज जी बड़े सुंदर रूप में इन सब विचारों को बतला रहे, ये सब हमारे गौड़ीय संप्रदाय की जो अभी बतला रहे थे ना महाराज जी, ये संपत्ति है। वो श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी कह रहे किस भावना के साथ में गोद्रूम में निवास करते थे, धाम में किस प्रकार निवास किया जाता है, ये श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने आदर्श से दिखलाया। प्रतिदिन रात्रि 12 बजे से 4 बजे तक
वो श्रीमन महाप्रभु जी के आविर्भाव स्थली की ओर देखकर उच्च स्वर से हरिनाम किया करते, सबको ऐसा करने के लिए प्रेरित करते। प्रातःकाल उठ करके महाप्रभु जी के आविर्भाव स्थली के उद्देश्य से वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते और सबको ऐसा करने के लिए कहते। संध्या के समय 5 बजे से 8 बजे तक चैतन्य चरितामृत की व्याख्या करते। प्रातःकाल में 3 घंटा श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते। प्रथम तले पर श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी रहा करते थे। हम जाते जब उनकी भजन कोटी का दर्शन करते हैं और गुरु जी कह रहे हैं कि यदि नीचे में कोई प्रजल्प करता, एक भी संसार की कोई इधर उधर की कुछ बात करता, उनके कान में बात पड़ जाती और ऊपर से ब्रज गंभीर स्वर में प्रतिवाद करते, प्रजल्प का परित्याग करो, सर्वत्र कृष्ण कोलाहल हो, प्रजल्प मत करो, सर्वत्र कृष्ण कोलाहल हो। उदाहरण देते, महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सारे उनके पार्षद सेवा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, जल ले रहे हैं, क्या कहकर दे रहे हैं और क्या कहकर ले रहे हैं, हरे कृष्ण कहकर देते हैं, हरे कृष्ण कहकर लेते हैं। इतना उन्नत आदर्श है साधन का, ऐसे धाम में वास किया जाता है प्राकृत बुद्धि को लेकर। और श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते थे नवदीप के बन बन में, नवदीप का जो एक एक ये बन है, इस एक एक बन में हम गुरु रूपा सखी के अनुगत्य में, जो हमारी गुरु रूपा सखी है वो सिद्ध स्वरूप की भावना, उनके अनुगत्य में हम लोग श्री गौर सुंदर की अप्राकृत लीला में सेवा करेंगे। इस भावना के साथ में श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी गोद्रूम में वास किया करते थे। इसको वास्तव में धाम वास कहा जाता है। तो हमारे शिला प्रभुपाद जी की बात को परम गुरु जी बता रहे, कितने लोगों ने श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी के धाम वास के इस उद्देश्य को लक्ष्य किया है, कितने लोगों ने लक्ष्य किया, कितने लोग समझ पाए उनके धाम वास के उद्देश्य को। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कभी कलकत्ता में रहे और कलकत्ता में जाकर जब वो निवास कर रहे थे, उनके गुरुदेव ने, सुना होगा आप लोगों ने, उनको आदेश दिया था कभी कली की नगरी में मत जाना, कभी कलकत्ता में मत जाना। शिला प्रभुपाद जी तो कलकत्ता में जाकर रहे, उन्होंने क्या भूतपूर्व विचार बतलाया कि मेरे गुरु पाद पद्म ने मुझको आदेश दिया कभी कलकत्ता में मत जाना, किंतु मैं कलकत्ता में जाकर के रहा। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में मैं कभी भी कलकत्ता में नहीं रहा, मैं कहाँ रहा, मैं गौड़िया मठ में रहा। ये गौड़िया मठ क्या है, ये बैकुंठ है, मैं सदा गौड़िया मठ में रहा। ये गौड़िया मठ क्या है, ये बैकुंठ है। जब मैं इस गौड़िया मठ के सेवकों के हृदय में कृष्ण सेवा की वृत्ति को लक्ष्य करता हूँ तो मुझको सदैव ये अनुभव होता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं गौड़िया मठ में, मैं बैकुंठ में साक्षात निवास कर रहा हूँ। इसलिए मेरा बाह्य रूप से संभव है कलकत्ता में रहना हो, किंतु आंतरिक रूप से मेरा कभी भी कलकत्ता में रहना नहीं हुआ। ये उन्होंने स्वयं जस्टिफिकेशन दिया अपने मुख से। इस भावना के साथ में गुरुवर्गों ने धाम में वास किया है, ये उनके चित्त की वृत्ति है। इतनी उन्नत स्तर पर गुरुपाद पद्म के चित्त की वृत्ति है। गुरु जी को कभी किसी ने कृष्ण की फोटो बना करके दिखलाई, सुना होगा संभव कुछ लोगों ने, कभी कृष्ण की फोटो बना करके गुरु जी को किसी ने दिखलाई और गुरु जी से जाकर के पूछा कि ये कैसी बनी है फोटो, गुरु जी देखते रहे। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी भी लीला प्रकाशित कर दिया करते थे जिससे कुछ अनुभव हो जाए। हमने सुनी ना ये बातें, उस दिन भी हम सुन रहे थे, किसी ने एक सन्यासी महोदय ने प्रश्न किया, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, आज भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न सामने आया कि भाई गुरु जी ने अप्रकट होने से पहले गुरु जी हरिनाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब हम तो ये सुनकर उत्तर भी क्या दे, इसका देने की इच्छा भी नहीं होती। अरे यदि गुरु जी हरिनाम नहीं भी कर रहे थे तो आप के भीतर में वो सामर्थ्य है कि आप लक्ष्य कर सको गुरुजी हरिनाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारे भीतर में सामर्थ्य है कि हम लक्ष्य कर सके गुरु के चित्त की वृत्ति कहां पर है, अथवा केवल मुख से सुनेंगे कि गुरुजी हरिनाम कर रहे थे तभी गुरुजी कुछ श्रेष्ठ पुरुष हैं, यदि मुख से हरिनाम नहीं कर रहे थे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। कैसे आश्चर्य की बातें हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं गुरु जी ने क्या कोई अलौकिक लीला प्रकाशित किया आपके सामने, आश्चर्य की बात है। अरे गुरु पाद पद्म अलौकिक लीला यदि प्रकाशित नहीं करें तो क्या उनके अलौकिकत्व में कोई हानि है, कोई हानि नहीं है। और जिनको आवश्यकता है, जिनके मन में कुछ संदेह होगा, उनको ही गुरु पाद पद्म कुछ अलौकिक लीला प्रकाशित करेंगे। प्रकाशानंद सरस्वती जी को महाप्रभु जी ने ऐश्वर्य दिखाया, स्वरूप दामोदर जी राय रामानंद जी को अथवा रूप गोस्वामी जी के सामने उन्होंने कभी अपना षडभुज रूप दिखाया, षडभुज रूप किसको दिखाया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को षडभुज रूप दिखाया। क्यों, उनको दिखाने की आवश्यकता थी, उनके मन में संदेह था ये भगवान है कि नहीं है, कलयुग में तो भगवान का अवतार ही नहीं है, तो उनको षडभुज रूप दिखाया। किंतु सनातन गोस्वामी जी जब सब कुछ परित्याग करके महाप्रभु के चरणों में एकांत शरणागत हुए, उनको कुछ अपना ऐश्वर्य दिखाया,
कि तुम मेरे चरणों में शरणागत हो रहे हो, तुमको कुछ दिखाऊं ताकि तुमको विश्वास हो जाए। मैं ही वास्तव में भगवान हूं, कुछ दिखाया, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं थी देखने की। उनको ये दृढ़ विश्वास था, वो महाप्रभु के तत्व को जानते थे। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गोरत्विषय नम। महाप्रभु ने कानों पे हाथ रखा। महाप्रभु जी को यदि कोई कहता था नमो नारायणाय, आप ही नारायण है, तो कान पर हाथ रखकर क्या कहते थे? जीवा धमे कृष्ण ज्ञान कहू ना करीबा। अरे अधम जीवों के प्रति भगवत ज्ञान मत करो, ये अपराध है। किंतु रूप गोस्वामी जी महाप्रभु को क्या कह रहे हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, नारायण नहीं कह रहे, आप तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले। महाप्रभु ने कान पर हाथ रखा, महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, रूप गोस्वामी जी के ऊपर कृपा की। सनातन गोस्वामी जी जब शरणागत हुए, महाप्रभु ने उनसे कहा भाई परीक्षा कर लो हमारी, हमारी पहले परीक्षा कर लो, मैं ही महाप्रभु हूं कि नहीं हूं, तुमको छठभुज अष्टभुज रूप दिखाऊंगा तभी तुमको विश्वास होगा। सनातन गोस्वामी जी को तो दिखाया नहीं, क्योंकि उनको देखने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब तक हमारे हृदय में वो दृढ़ विश्वास ना हो, जब तक हमारे हृदय में वो ऐसी भावना ना हो, श्रीला प्रभुपाद जी जैसा कहते थे मद गुरु जगत गुरु, मेरे गुरुपाद पद्म कौन है? जगत गुरु है। मेरे गुरुपाद पद्म कौन है? साक्षात वैकुंठ पुरुष है। श्रीला स्वामी महाराज जी से कभी किसी ने विदेश में कहा आप हमें अपने गुरु जी के विषय में कुछ सुनाइए, श्रीला स्वामी महाराज जी ने कहा मैं उनके विषय में क्या कहूँ, वो तो वैकुंठ पुरुष थे, उनकी महिमा सुनना और कहना और तुम लोगों के लिए विशेषकर समझना अभी बड़ा कठिन व्यापार है। अंग्रेजी में उत्तर दिया उन्होंने, वो तो वैकुंठ पुरुष थे, उनकी क्या महिमा कहूँ तुम्हारे सामने और कितना तुम समझ पाओगे। तो इसलिए ऐसा दृढ़ विश्वास हो गुरु के प्रति, तब मन में ऐसी क्यों बात आएगी क्या गुरु जी ने हरिनाम कर रहे थे, ना गुरु जी ने कोई अलौकिक लीला दिखलाई, जिनको आवश्यकता है उनको दिखलाई होगी, किंतु रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, दास गोस्वामी जी को तो महाप्रभु ने कभी कोई अलौकिक लीला नहीं दिखलाई। दिखलाई रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो ये कह, रघुनाथ दास गोस्वामी जी से तो ये कह रहे हैं महाप्रभु, अरे स्वरूप दामोदर जी से कथा सुन लेना, मैं भी इतना नहीं जानता हूँ जितना स्वरूप दामोदर जी जानते हैं, उनसे तो महाप्रभु ऐसे वचन कह रहे हैं। तो ये किसको आवश्यकता पड़ती है, जिनके हृदय में कहीं ना कुछ कुछ बीज रह गया, ये वास्तव में अपराकृत महापुरुष है कि नहीं, ये वास्तव में मेरे हृदय को जानते हैं कि नहीं। किंतु हमारी जब तक ऐसी दृढ़ श्रद्धा ना हो, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं इस बात को, जैसे कहनो चैतन्य नित्यानंद नहे तबु तार पाद पद्म रहु का हृदय। अरे नित्यानंद प्रभु जी को कोई कहता है ये सखा है, कोई कहता है ये बंधु है, कोई कहता है ये भाई है, जैसे कहनो चैतन्य नित्यानंद रहे तबु तार पाद पद्म रहु का हृदय। मेरे चरणों में तो उनके, मेरे हृदय में तो उनके चरण बड़े दृढ़ रूप से सदा स्थापित रहे। तो हमारा क्या अधिकार है अभी ये समझने का गुरुपाद पद्म कैसे हैं, गुरुपाद पद्म की महिमा क्या है? अभी तो अंततः उनके वचनों पर, उनके चरित्र पर, उनके आदर्श पर हमारी सुदृढ़ निष्ठा हो जाए। शिला प्रभुपाद जी को इसीलिए ये सब बातें कहने की आवश्यकता पड़ती है। वी शुड हैव इम्प्लिसिट रियलाइज इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव, बड़ी दृढ़ श्रद्धा हो हमारी गुरु के वचनों में। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में उस श्रद्धा का, उस वास्तव दृढ़ श्रद्धा का क्या है, अभाव है कुछ। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? फुल कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव, पूरा कॉन्फिडेंस हो गुरु के शब्दों में। जो गुरु ने कह दिया वो क्या है? वो परम सत्य है। जो गुरुपाद पद्म कह रहे हैं वो शब्द ब्रह्म है। जो गुरुपाद पद्म कह रहे हैं वो वैकुंठ की वाणी है। पूरा विश्वास हो। इसलिए गुरुजी हमको 100 बार आदेश देते हैं, हमारी फिर भी उसमें रति मति नहीं होती। किंतु शिला स्वामी महाराज जी को कितनी बार कहा? एक बार आप विदेश जाना और प्रचार करना, केवल एक बार। अब उनके लिए हम सुन रहे थे ना उस दिन, वो शब्द नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है। वो जानते हैं मेरे गुरुपाद पद्म कौन है, प्रथम भेंट में भी जानते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, उस शब्द ब्रह्म को हृदय में रख लिया। परम गुरु जी को उन्होंने क्या साक्षात रूप से कहा था मायावाद का खंडन करना है? अलक्षित रूप में कहा, मायावाद का खंडन जब तक नहीं होगा शुद्ध भक्ति का प्रचार करना बड़ा संभव है। उन्होंने केवल सुना मेरे गुरुपाद पद्म की इच्छा क्या है, उसको हृदय में रख लिया, सारा जीवन लगा दिया मायावाद का खंडन करने में। इसको कहते हैं वास्तव में गुरु के शब्दों में दृढ़ विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव। अंततः हमारी ये स्थिति तो आए कि गुरु के प्रति हमको संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण श्रद्धा हो। यह अलौकिक अपराकृत महापुरुष है, मुझको अनुभव नहीं है किंतु मेरी निष्ठा तो ऐसी हो, तभी तो गुरु के हृदय की जो संपत्ति है तब वास्तव में गुरु कुछ प्रवेश करने देंगे। रूप गोस्वामी जी के विषय में सुनते ना, प्रिय स्वरूपे, दैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजाभि रूपे। ये सहजाभि रूपे क्या है? एक एक शब्द का जब अर्थ समझने जाएंगे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। महाप्रभु जी के हृदय में जो सहज रूप में प्रवेश कर सकते हैं,
जिनको महाप्रभु जी ने अधिकार दिया है अपने हृदय में प्रवेश करने का, उसको कहते हैं सहजाभिरूपे। दूसरों को तो प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया, यहाँ तक कि राय रामानंद जी को भी रोक दिया महाप्रभु ने। गुरु जी कहते हैं उनके भी मुख पर हाथ रख दिया, किंतु रूप गोस्वामी जी को नहीं रोका, उनको अधिकार दिया सहज रूप से आओ मेरे हृदय में प्रवेश करो, मेरे हृदय की जो संपत्ति है उसको बाहर करो, सारे जगत जीवों को दे दो। क्यों दिया? क्योंकि रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी की उस प्रकार की महिमा को भली भांति जानते हैं। इसलिए अंततः इन बातों में हमारा, गुरु जी के शब्दों में, गुरु जी के चरित्र में तो हमारा सुदृढ़ विश्वास हो। आज बहुत समय हो गया, कल फिर समय सुलभ होगा तो हम लोग और सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, परसों तो मान जब भी सोयो होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्रील प्रभुपाद की, सचिनंदन गौर हरि की, हरे कृष्णा। हाँ, कल हम लोग जयपुर जाएंगे दर्शन करने के लिए, इसलिए आप लोग 3:30 बैठ जाना, जो आगे जाएगा ना वो आगे सीट में बैठेगा, जो पीछे जाएगा वो पीछे सीट में बैठेगा। इसलिए हमको बोलना नहीं ये सीट नहीं मिला हमें आगे चाहिए, हरि they can tell me, oh, I want front seat, I got back seat. So, can tell earlier, can go and take your seat. What time start buses? Bus, you try, 4 o'clock, 4 बजे, 4 o'clock you try go. 4 बजे हम कोशिश करेंगे जाने के लिए, फिर क्या होगा, 4 बजे आएंगे ना, पूरा दर्शन होगा, कोशिश करेंगे, जैसे गोपीनाथ दर्शन हो जाए, गोपीता देव दर्शन हो जाए, राधा विनोद दर्शन हो जाए, राधा दामोदर दर्शन हो जाए, फिर राधा माधव कोशिश करेंगे, कभी जयदेव गोस्वामी का राधा माधव का दर्शन करने के लिए, फिर आते समय फिर गलता गति जहाँ पर बलदेव पिता भूषण भक्त साथ में रामानंद संप्रदाय का संतों का जहाँ डिस्कशन हुई है वो स्थान भी जहाँ गंगा जी प्रकट हुए हैं, और जो स्नान करना चाहे गंगा में नहा सकते हो कार्तिक महीना, इसलिए कोशिश करेंगे जितना हो जाए दर्शन करने के। इसलिए पहले जाकर के अपना सीट को ले लेना।